को निकाल देती है घर से। उन्होंने पानी रखा होता है भगवान के पास, उस पानी को लेकर आते हैं। काजल को दिखता है स्क्रीन में कि उसके पीछे कोई खड़ा है और वही घुंघराले वालों वाला होता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने अपने पाम से ना ऐसे मेरे हाथ पे ऐसे घुमाया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड मैं आज तुम सबके लिए एक और हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक वीडियो को जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम 20K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है, थोड़ा सा यार मोटिवेटेड फील होता है, 20K सब्सक्राइबर्स करा दो। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ यहाँ शेयर करो, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि तुम सबके साथ शेयर करो। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो जो आज का हॉरर किस्सा है हमारे साथ काजल ने शेयर करा है। काजल हैदराबाद में रहती है। काजल की फैमिली में काजल के मदर हैं, काजल के फादर हैं और काजल रहती है, और ये एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो काजल की जो ताऊ की फैमिली है वो भी साथ ही में रहते हैं, और इनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी है काजल की, वो भी इनके साथ रहते हैं। तो इनकी फैमिली में काफ़ी लंबे टाइम से काफ़ी ग्रजेस चल रहे थे, काफ़ी इश्यूज चल रहे थे काजल की फैमिली में और ताऊ की फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर। एंड अब वो टाइम आ जाता है कि काजल की जो ताऊ जी की फैमिली होती है वो इनको निकाल देती है घर से और इनको रेंट वाले घर पर जाना पड़ता है। तो काजल की दादी को एक्चुअली में ये चीज़ नहीं पता थी कि घर में कितनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। अब काफ़ी दिन जब काजल की दादी को काजल की फैमिली नहीं दिखती है, तो उनको पता लग जाता है कि ताऊ जी के बीच में और इनकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से अब ये अलग जगह रह रहे हैं। तो अब काजल की फैमिली एक रेंट वाले घर पर रह रही होती है। हफ्ता 10 दिन बीतते हैं। अब काजल की फैमिली के साथ एक बड़ी वियर्ड चीज़ होनी शुरू हो जाती है। काजल की मदर को ऐसा लगता है कि काजल ने आवाज़ लगाई, और जब वो आकर देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। और काजल को ऐसा लगता था कि मम्मी की आवाज़ आई है, जब वो जाकर देखती थी तो वहाँ कोई भी नहीं होता था, और ये एक्टिविटी बहुत फ्रिक्वेंट हो रही थी। अब काजल के जो मामा थे वो थोड़ा पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते थे। काजल की मम्मी उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि हमारे साथ ये एक्टिविटी हो रही है, मुझे आवाज़ सुनाई देती है काजल की और काजल को मेरी, बट एक्चुअल में वहाँ कोई भी नहीं होता। तो काजल के मामा उन्हें गाइड करते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी सिंगल आवाज़ आए तो तुम कभी भी उसका रिप्लाई मत देना, उस आवाज़ के पास मत जाना अनटिल और अनलेस तुम्हें 2 या 3 आवाज़ें ना आ जाएँ, अदरवाइज तुम उस आवाज़ का रिस्पॉन्स मत देना। अब ये इस एक्टिविटी को फॉलो करना शुरू करते हैं। आवाज़ें अभी भी आ रही होती है, बट ये इस एक्टिविटी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उस आवाज़ के पीछे नहीं जाते। अब कुछ टाइम बाद चीज़ें और ख़राब होने लग जाती है काजल के साथ, काजल के मदर के साथ नहीं, काजल को ना ऐसा फील होने लग गया कि हर टाइम 2400 घंटे उसके साथ कोई खड़ा है। अब महसूस हो रहा है कि यहाँ पर मेरे साथ कोई खड़ा है, बट जब देखती है बगल में तो कोई भी नहीं है। रूम में आती है, अपने कर्टन के पीछे एक शेप बनी हुई है, पता लग रहा है, एज्यूम कर सकती है कि यार पीछे एक इंसान खड़ा है। अब जाके कर्टेन हटाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। काजल के साथ ये बीतती है, 1-2-3 महीने बीतती है, और काजल इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाती है कि उसको इतना डर लगने लग जाता है कि वो घर में अकेले रहने से भी डरने लग जाती है। अब वो ना नज़रें झुकाकर चलना शुरू कर देती है कि उसको इस चीज़ का डर बैठ जाता है मन में कि अगर इन केस मुझे सामने कोई दिख गया तो मैं क्या करूँगी, तो उसके मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया होता है। अब फिर कुछ टाइम बीतता है। एक दिन काजल और काजल की मम्मी जमीन पर लेटे होते हैं। अब जमीन के जस्ट पीछे उनका सोफ़ा होता है और सोफे से काफ़ी पीछे उनका डाइनिंग टेबल होता है। अब वो रात को सोए हुए हैं और काजल को ये फील होता है कि ना कुछ नॉक हुआ 3-4 बार। जैसे ही वो उठती है, और ये सिर्फ काजल को आवाज़ सुनाई थी, काजल की मदर को नहीं, जैसे ही वो उठती है अंधेरा होता है, और वो जैसे अपना मुंह फेरती है सोफे की तरफ को, उसको ना डाइनिंग टेबल के नीचे एक एंटिटी दिखती है ब्लैक कलर की, जिसने ना ऐसे चिन पर हाथ रखा हुआ है, जिसके बाल घुंघराले हैं, और वो लेटा हुआ है और काजल की तरफ देख रहा है बड़ी बड़ी आंखें करके। काजल एकदम से ज़ोर से आवाज़ मारती है और अपनी मम्मी को बोलती है भूत है वहाँ, मैंने देखा कोई था। वो लाइट ऑन करते हैं और चेक करते हैं, वहाँ कोई भी नहीं होता। काजल के मदर भगवान के पास जाते हैं, जो उनके घर में जहाँ पर वो पूजा करते हैं, वहाँ पर जो उन्होंने पानी रखा होता है भगवान के पास, उस पानी को लेकर आते हैं और पूरे घर में छिड़काव करते हैं कि ऐसा अगर कुछ भी है जिससे मेरी बेटी को डर लग रहा है, या कोई भी चीज़ जो मेरी बेटी को डरा रही है वो चीज़ दूर हो जाए। तो ये दिन भी बीत जाता है। अब इसके बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि जो काजल थी उसको नींद आनी बंद होगी, मतलब बहुत कम टाइम ऐसा होता था जब उसको नींद आती थी, और जब उसको नींद आ जाती थी तो वो बीच बीच में उठ जाती थी कभी भी, और चीखना शुरू कर देती थी, कभी रोना शुरू करती थी, कभी हंसना शुरू करती थी। उसका मन करता था कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसे, अपने बाल खींचती थी ज़ोर ज़ोर से,
अब जब भी उसका मन कर रहा होता था ना ऐसे में कि वो हंसे जोर जोर से अपने बाल खींचे, तो वो कोशिश करती थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने सेंसेस में होती थी, वो ट्राई करती थी कि मैं जैसे हमारा जो पूजा घर है घर में, मैं वहाँ पर पहुँचूँ और जो हमारी कुल देवी है उनके पास जाकर हाथ जोड़ लूँ। अब वो जैसे तैसे पहुँच जाती थी, दो चार बार पहुँची और वो हाथ जोड़ती थी, रोती थी अपनी कुल देवी के सामने कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, प्लीज़ इसे ठीक कर दो। और उसको ना हल्के हल्के वहाँ पर भगवान के पास जाने से, अपनी कुल देवी के पास जाने से, मतलब पूजा घर में जाने से उसे डर लगने लग गया। उसके अंदर वो जो भी उसके साथ एक्टिविटीज़ हो रही थी वो इस कदर बढ़ गई थी कि उसको भगवान के पास जाने से डर लगने लग गया था। अब इनके घर में सिचुएशन इतनी ख़राब थी क्योंकि आंटी को भी पता था कि काजल के साथ कुछ गलत हो रहा है और वो बहुत परेशान रहती है, अंकल को भी पता था। तो इनके घर में ये क्या करते थे, एवरी ट्यूसडे ये पूजा कराते थे, कीर्तन कराते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम काजल के जो मम्मी थे वो काजल के नाम का पाठ कराते थे। अब पाठ कराते थे और काजल की ना बिल्कुल ऐसे हो जाती थी हालत कि मैं घर में कैसे रुकूं, क्योंकि पूजा हो रही होती थी और वो उस चीज़ से डरना शुरू कर दिया था उसने। और वो कांपती थी कि मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती, उसको भागने का मन करता था, बट वो फिर भी पूरी हिम्मत करके बैठी रहती थी। और अब इन्होंने बाद में ये चीज़ नोट करी कि जितनी बार जब जब काजल के मम्मी ने काजल के नाम का पाठ रखा है, पूजा रखी है, तो काजल की मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते थे। और काजल की मम्मी को वैसे भी दो चार बीमारियाँ थी, तो मतलब एक दो बार तो ऐसा हो गया था कि वो काफ़ी दिनों के लिए बीमार हो गए। तो काजल और काजल के पापा ने डिसाइड करा कि आप ऐसे पाठ वगैरह मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गैस ही कर रहे हैं भले, बट जब भी आप ये चीज़ कर रहे हो आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है और क्रिटिकल हो रही है, तो आप ये चीज़ मत करो। तो ये हर ट्यूसडे सिंपल पूजा करते थे। अब एक दिन क्या होता है, इन्होंने अपने घर में पूजा रखी हुई होती है, अब जिस रूम में पूजा होती है उस रूम में बालकनी भी थी, उसका डोर था जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम खुला रहता था। अब जो बालकनी वाले के सामने जो मेन डोर था वो कनेक्टेड था लिविंग रूम से, तो अब ये वहाँ पर बैठकर पूजा कर रहे हैं और पूजा कथा वगैरह चल रही है, और काजल बिल्कुल ऐसे हो रखी है कि मैं उठूँ और यहाँ से भागूँ, मतलब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। और सडनली क्या होता है कि काजल ना एकदम ऐसे कांप रही होती है, और सडनली काजल को ऐसा लगता है कि कुछ निकला साइड से और बहुत तेज दौड़ता हुआ, और ना वो जो बालकनी थी उसका दरवाज़ा एकदम ज़ोर से बजा और वहाँ से कूद गया। अब ये सब अपनी मम्मी को बताती है काजल, और ये सब ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो ब्लैक नेगेटिव एनर्जी थी, चाहे वो काजल के अंदर हो चाहे वो उस घर के अंदर हो, वो उस कीर्तन वगैरह को नहीं हैंडल कर पाई और उस घर से निकल गई। तो ये उस दिन के साथ एक इंसिडेंट हुआ, बट अभी भी इंसिडेंट होने बंद नहीं हुए थे काजल के साथ। ये रोज़ रात को जब सो रही है तो कभी नींद नहीं आ रही, कभी नींद आ रही है तो एकदम से उठ रही है, बाल खींच रही है, कोशिश कर रही है कि ये सब चीज़ें ना करे, पर हंसने लग जाती है, रोने लग जाती है। मम्मी पापा ये सब बहुत बीमार थे, उन्होंने अपने भाई को भी बताने की ट्राई करी काजल की मम्मी ने कि ये सब क्यों हो रहा है, बट कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। और ऐसे ये सब होते होते काजल की काफ़ी तबीयत ख़राब होने लगी। कुछ दिन और भी थे, एक दिन काजल और काजल की मम्मी ने टीवी देख रहे थे, और काजल की मम्मी को ना नींद आनी शुरू होगी, तो काजल की मम्मी कहते टीवी बंद कर दे, सोने चलते हैं। तो काजल जैसी उठती है टीवी को ऑफ करती है, और जैसे टीवी ऑफ हो जाती है जो स्क्रीन होती है टीवी की एकदम ब्लैक हो जाती है, और काजल को दिखता है स्क्रीन में कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और वही घुंघराले वालों वाला, वो एकदम से पीछे मुड़ती और चीखती है बहुत ज़ोर से कि मम्मी भूत। और जैसे ही काजल की मम्मी आते हैं और वो एकदम से शोर मचाते हैं कि कौन है जो मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, सामने आए, कौन है, क्यों कर रहा है, वो ऐसे चीखते हैं बहुत ज़ोर से। और सडनली क्या होता है, जहाँ पर वो बैठे होते हैं उसके बगल में टेबल होता है, उसके ऊपर एक वाटर बॉटल होती है और वो भी पानी से भरी हुई है, वो गिरती है और रेंगते हुए काजल के मम्मी के पैर पर आकर रुक जाती है। अब ये सब हवा से भी हो सकता था कि फ़ैन की हवा से आई अगर बॉटल खाली होती, बट वो बॉटल पानी से भरी हुई थी। और उनके ये चीज़ बोलते कि कौन है, ये क्यों कर रहा है मेरी बेटी के साथ, कौन है, कहाँ है, हिम्मत है तो सामने आई, ये चीज़ उनके बोलते ही वो बॉटल गिरी जमीन पे और रेंगते हुए काजल की मम्मी के पैर पर आकर रुक गई। उस दिन इनको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है घर में जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। अब इनको ये चीज़ लग रही थी कि घर में कुछ नेगेटिव है, कि घर चेंज करते हैं ऐसा कुछ। अब इनके गांव में जो इनकी कुल देवी का मंदिर था वहाँ पर एक लेडी थे जिनके ऊपर कुल देवी आते थे, तो ये उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि ये इंसिडेंट है जो बहुत फ्रिक्वेंटली हमारी बेटी के साथ हो रहे हैं, काजल के साथ, प्लीज़ आप चेक करो और बताओ कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि काजल की हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी भी मंदिर वाले एरिया के पास जा सके, बैठ सके, क्योंकि वो कांपना शुरू कर देती थी। अपनी विलनेस से तो वो बैठ जाती थी, बट जो भी उसके अंदर था उसे बैठने नहीं देता था वहाँ पर। तो काजल के मम्मी को वो बताते हैं कुल देवी जिन पर लेडी पर आते थे कि आपके घर पर
आपकी बेटी के ऊपर, आपके ऊपर और आपके पति के ऊपर ब्लैक मैजिक करा गया है, और जो और जिन्होंने ये ब्लैक और जिन्होंने ये ब्लैक मैजिक करा है वो आपके ताई जी और ताऊ जी हैं। वो सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो बताते हैं कि आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग थे, आप पर देवी की भी कृपा है, आपके पति के ग्रह भी बहुत स्ट्रांग है इसलिए उनके ऊपर इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं हुआ, बट आपकी बेटी काजल उसके ग्रह इतने वीक है कि वो सबसे बड़ा मतलब इस चीज़ का शिकार होगी कि सारे का सारा जो भी उन्होंने ब्लैक मैजिक करा था, जो भी इम्पैक्ट हुआ था वो सारा का सारा काजल के ऊपर हुआ। ये भगवान के पास मंदिर में किसी भी जगह जाने से इसलिए डर रही है, कोई है एक नेगेटिव एंटिटी जो इसको वहाँ जाने से रोकती है, जो इसको परेशान करती है, जो इसको दिखती है, वो सारी की सारी चीज़ें उस ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है। इनको ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि इनके ताया और ताई जी ने करी है, तो वो कुलदेवी की मंदिर में पूजा करते हैं। वहाँ पूरा का पूरा पूजा होने के बाद जो कुलदेवी जिनके ऊपर आते थे लेडी के ऊपर, वो तीनों के हाथ में एक धागा बांधते हैं, काजल के गले में एक लॉकेट देते हैं और बताते हैं काजल को कि तुम्हें ये कभी भी नहीं उतारना है। तो कुलदेवी माता ने जो वो पूजा करी थी वो होने के बाद काजल के साथ इंसिडेंट, वो आवाज़ें सुनना, वो हंसना रोना, वो एक्टिविटीज़ करना, ये सब बंद हो गया था। अब वो ठीक थी, खुश थी, उसकी शादी हो जाती है। उस टाइम शादी के वो घर आती है अपने अपने मम्मी पापा के पास, तो उसके मम्मी पापा एक घर में पूजा रखते हैं। अब उस पूजा के दौरान ये कीर्तन मंडली को भी बुलाते हैं जो वहाँ की होती है, और उसके अंदर उसकी वो उसकी ताई भी होती है। अब उसकी ताई को भी मतलब वो मना नहीं करते आने से, उनका रीज़न ये था कि जो चीज़ें हम सबके बीच में हुई है मोहल्ले में भी पूरे बेइज्जती कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो घर की बातें वो घर तक रहे तो बेटर है, क्यों उन बातों को मोहल्ले वाले लोगों को भी पता लगना चाहिए, है ना। तो वो उनको आने देते हैं और वो ऐसा नहीं करते कि आप लोग रहने दो, आप ताई के परिवार को मना नहीं करते आने से। तो अब जब काजल घर आती, काजल बोलती है अपनी मम्मी को कि आपने ताई को क्यों इन्वाइट करा, उनको क्यों आने दिया। तो उसकी मम्मी ने ये चीज़ समझाई कि कोई बात नहीं, हमने पूजा वगैरह करी है, सब ठीक होगा, तो टेंशन ना ले। अब उसके ताई वगैरह सब आते हैं। अब जैसा कि काजल की मम्मी ने बताया होता है कि प्यार से रहना है, अच्छे से ही रहना है, तो जैसे ही काजल अपने ताई के पैर छूती है और जैसे ही वो पैर छूकर उठती है, उसके ताई जी ने ऐसे पकड़ते हैं उसको हाथ को, और काजल ने बताया कि मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने अपने पाम से ना ऐसे मेरे हाथ पे ऐसे घुमाया और अपनी जो ये उंगलियां हैं इनको ना मेरे यहाँ दबाकर मेरी नब्ज तक को ऐसे पकड़ा। वो कहते हैं कि वो उस टाइम इतना कॉमन था, इतना नॉर्मल था कि कुछ भी मैंने ऐसे ऑब्जर्व नहीं करा, उन्होंने फिंगरप्रिंट लिए, निशान पाया, कुछ लगाया, कहते मुझे कुछ भी नहीं पता। बट उस दिन के बाद आज 7-8 साल बीत चुके हैं, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाई हूँ, काजल को आज तक बेबी नहीं हुआ, और काजल को अभी भी रात रात को डर लगता है कि जब वो रात को कभी उठ जाती है बीच में, वो डर वाला फैक्टर उसके अंदर आज भी है कि कभी कभार वो रोने लग जाती है, कभी कभार ऐसा होता है ना उसको बीच में एंजाइटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उठ के अपने बाल खींचने लग जाती है। तो कुलदेवी इनको भी दिखाया, उन्होंने बताया कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से ही जो है वो बेबी कंसीव नहीं कर पाए, बस आप लॉकेट हाथ में पहन के रखो, ये सब रखो, सब ठीक हो जाएगा। बट 7-8 साल बीत चुके हैं और अभी भी उसके साथ और अभी भी काजल के साथ ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और ये सब उनके ताई जी वगैरह नहीं कर रहे। अब उन्होंने अपने ताई जी वगैरह के साथ सारे कनेक्शंस कट कर दिए, उनके पास आना जाना रहना सब बंद कर दिया, बट अभी भी उस चीज़ को काजल भुगत रही है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस किस्से के बारे में, मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चीज़ हुई है, और अभी काजल किस चीज़ को फॉलो कर सकती है कि जिससे अभी भी उसको ये चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें बंद हो जाएं उसके साथ। तो कमेंट सेक्शन में ये सजेशन ज़रूर देना, काजल अगर रीड करेगी तो काजल के लिए हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों के साथ हुए हैं और रियल हैं, आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ शेयर करो। एंड इस हॉरर किस्से के लिए बस इतना ही, एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, 20K सब्सक्राइबर्स करा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।